सारी मीडिया का और आज मेरे फेस पे फिर से खुशी की लहर आ गई है। देश की जनता को भी कहना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का बुला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आदिल को मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है और मुझे लगता है कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं। मेरे लिए ज़िंदगी की खुशी यही है कि आज मेरी माँ की श्रद्धांजलि है। सब आने वाले हैं, सारे एक्टर स्टार सब लोग, अठावले साहब मंत्री सब लोग आने वाले हैं और आदिल भी आने वाले हैं अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, यू नो, नहीं होगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे पता नहीं है नाजुक रिश्तों में कैसे क्या बोलना है, तो एक्चुअली मेरे सर पे बहुत ज़्यादा, यू नो, एक ट्रॉमा, एक प्रेशर था, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी कि आज आदिल आ गए वापस मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। अब वो कभी नहीं जाएंगे, ये मुझे राकेश भरोसा दिलाया है। और राकेश मेरा फैमिली को अभी नहीं पता था, बट अभी मैंने बताया है कि देखिए हस्बैंड वाइफ में होता है नोकझोंक, सब कुछ होता है। एक्चुअली क्या ना कि ये सब बातें जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने कहा था क्लियर कर देना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ठीक है, वो मेरा कचरा है, मेरा कचरा मैं क्लियर कर दूंगा, यू आर माई वाइफ। बट वो हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि कभी मीडिया में ना आऊं और ना बोलूं, क्योंकि घरेलू मामले हैं, ज़रूरत नहीं थी। बट जब आई तो आप समझ सकते कि एक इंसान पे क्या प्रेशर आ सकता है। मैं आदिल की फैमिली को धन्यवाद कहना चाहूँगी, उनकी उनकी मौसी को क्या बोलते हैं, खाला, खाला जो लंदन में है, उनके मम्मी डैडी को, उनकी सिस्टर को बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहूँगी कि ये इस गरीब लड़की का जिसका कोई सहारा नहीं, मेरा घर आप लोगों ने बसा दिया, आदिल को समझाया, आदिल समझ गए और मेरा आदिल को आपने वापस भेज दिया और सारे रिश्ते जो थे फालतू के वो ख़त्म हो गए। और अभी मैं और हम लोग आदिल एक साथ हैं और सारी नेगेटिव चीज़ को भगा देते हैं और सब कुछ अच्छा होगा। और अभी सब लोग मेरे ख्याल से आने वाले हैं, हम वेट करें बस। शुक्रिया। आपसे आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ गई है और वैसे कहा जाए तो आप अपनी माँ को मतलब इतना प्यार करती थी जो हम करती हूँ, करती रहूंगी, करती रहेंगी। ये बहुत शेम की बात है, बहुत शर्म की बात है कि वृद्धाश्रम इतने बढ़ गए। एक माँ अपनी कोख में 9 महीने बच्चे रख कर उसे पाल पोस कर अपना खून पिलाती है, अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसे शादी करती है और शादी करने के बाद मुझे नहीं पता कि ये बेटा चेंज क्यों हो जाता है। सब कुछ बेटे के हाथ में होता है, मेरा भाई तो चेंज नहीं हुआ, मैं चेंज नहीं हुई। एक सेकेंड थोड़ा फूल मंगा दो ना, फूल मंगा दो ना, जल्दी से बोलो ना, जल्दी आ गए, जल्दी करो ना, उन्होंने किसी को बोला है, आप भी बोलो ना जरा जल्दी से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी अपने माँ बाप की सेवा करो जीवन में, आज तुम जिंदा हो कल चले जाओगे। मेरी माँ की मैंने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने आखिरी सांस तक हमने सेवा करी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने बहुत, मिका जी फिर सलमान खान, बहुत फरा मैम, बहुत शिल्पा शेट्टी जी, बहुत सारे लोगों को मैं डेफिनेटली इनका नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि इन सब उन्होंने हेल्प करी है। वो फूल मंगा दो ना प्लीज़। हाँ जी।
आप जो अपनी जंग लड़ती है ना, सबसे बड़ी ताकत आप।